हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सविता। आप लोगों को इंडियन ब्लॉगर सप्ताह चैनल में स्वागत है। आज मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाई हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और बच्चों का फेवरेट होता है। चलते हैं बनाते हैं। मैं दिखा रही हूँ कैसे बना रही हूँ। ये कम सामान में ही झटपट से बन करके तैयार हो जाता है, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं इसे बनाते हैं। गैस ऑन करके ये पानी में रख दी हूँ। कोई भी पतीला लेकर के उसमें 1 लीटर पानी रख देंगे। ये पास्ता है, कोई भी पास्ता आप यूज कर सकते हैं, मैं ये वाला कर रही हूँ। पानी को बॉयल होने देंगे। पानी में 1 चम्मच नमक डाल देंगे। तेल नहीं डालेंगे क्योंकि ड्राई पास्ता हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें तेल डालने का कोई फायदा नहीं होता है। अब इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। पानी बॉयल हो गया है, अब इसके अंदर पास्ता डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे। 1 कटोरी में थोड़ा सा ये वाला पानी जो पास्ता का, इसे निकाल लेंगे। आधा कटोरी में निकाल रही हूँ। पास्ता को देख लेते हैं हो गया है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए इसे काट करके देख लेंगे। इसको पूरा नहीं पकाएंगे। देखिए इसमें व्हाइट व्हाइट थोड़ा दिख रहा है, अब बंद कर देंगे। ये हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। एक स्ट्रेनर ले लेंगे, इसमें छान देंगे पास्ते को। पास्ते को छान दी हूँ और थोड़ा इसमें ठंडा पानी में डाल दी हूँ ताकि अलग अलग रहे पास्ता। गैस ऑन कर कढ़ाई रख दी हूँ। इसमें तेल डाल देंगे, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं अपने पसंद का, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 छोटा प्याज, 1 शिमला मिर्च मैं काटी हूँ, आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें प्याज डाल देंगे। इसे थोड़ी देर भुनेंगे, 1 मिनट के लिए, ज़्यादा इसको नहीं भुनेंगे। गोल्डन ब्राउन इसको नहीं करना है। प्याज हो गया है, अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। इसे भी थोड़ी देर भुनेंगे। हो गया है, इसे निकाल ले रही हूँ। 1 प्लेट में कढ़ाई रख दी हूँ। इसमें 3 चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ। इसकी जगह आप लोग बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बटर से और अच्छा लगता है, लेकिन मैं शुद्ध घी में ही बनाती हूँ। मेरे यहाँ इसी में सब पसंद करते हैं। इसमें 3 चम्मच मैदा डालेंगे। जितना बटर या घी रहेगा उतना ही मैदा रहेगा, तभी ये सॉस बहुत अच्छा बनता है। 3 चम्मच मैदा हो गया। इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मिला लेंगे, फ्लेम हाई नहीं करेंगे। इसको अच्छे से भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, जब तक इसमें सुंधापन की खुशबू ना आ जाए तब तक भूनते रहेंगे। इसमें से सुंधी खुशबू आने लगी, ये हो गया है। अब इसे हटा देंगे कड़छी को। ये दूध है 1/2 लीटर। अब इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और भी सतह से मिलाते जाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना पड़े। इकट्ठे डालेंगे तो लम्स पड़ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब सारा दूध इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए बिल्कुल लम्स नहीं पड़ा है। अब इसे चलाते हुए पकाएंगे।
गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और पकाएंगे इसे अच्छे से, हाई नहीं करेंगे। ये कितना अच्छे से ये सॉस बन रहा है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये चिली फ्लेक्स है, इसे डाल देंगे। काली मिर्च है, इसे भी डाल दूंगी, एक चौथाई चम्मच है। ये मिक्स हर्ब्स है, इसे भी डाल देंगे इसी में, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कितने अच्छे से ये रेडी हो गया है। अब इसमें मोजरेला चीज़ डाल देंगे ऐसे घिस करके, ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। जो ये पास्ता में से जो पानी निकाली थी, अब उसको इसमें डाल देंगे। इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसे मिक्स कर लेंगे। चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें ये जो सब्जी है इसे डाल देंगे, डाल करके इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें पास्ता है, इसे डाल देंगे, डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता अच्छे से मिक्स हो गया है, थोड़ी देर इसे और पकाएंगे। अगर पास्ता टाइट लगे तो थोड़ा सा और दूध का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा दूध इसमें और डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेडी हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। एक प्लेट ले ली हूँ, इसमें पास्ता को निकालते जाएंगे। इसके बाद इस पे थोड़ा सा चीज़ ऐसे डालेंगे गर्मा गर्म। गर्म पास्ते में चीज़ को डालने से ये बहुत अच्छे से चीज़ी बन जाता है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा पास्ता डालेंगे। और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा चीज़ डालेंगे। फिर इसके ऊपर गर्मा गर्म पास्ता डालेंगे। हमारा चीजी पास्ता बन करके रेडी हो गया है। ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना मत भूलिएगा।